हेलो दोस्तों, मैं अजय कुमार स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ गेम पर। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आप सबको बताया था कि मैं गन और गनमूल की एक ट्रिक करवाने वाला हूं, तो आ जाते हैं अपने गन एवं गनमूल, इंग्लिश में कहते हैं इनको क्यूब एंड क्यूब रूट। दोस्तों, मैंने करनी के बारे में भी आपको बताया था कि इसको कहते हैं करनी, इंग्लिश में बोलेंगे इसको रूट। अगर यहां पे कुछ भी नहीं है पावर में अगर कुछ भी नहीं है तो हम इसको स्क्वायर रूट कह सकते हैं, लेकिन अगर पावर में दो है तो भी स्क्वायर रूट, लेकिन अगर तीन है तो ये हो जाएगा आपका क्यूब रूट यानी के घनमूल। इसको मैं बताने वाला हूं थोड़ी देर बाद, पहले अपनी टेबल पे आ जाते हैं कि घन किसे कहते हैं। घन के बारे में अगर मैं बताऊं, किसी संख्या की उसी संख्या में तीन बार अगर हम गुणा करते हैं तो उसका घन कहलाती है यानी कि क्यूब कहलाती है। वन इंटू वन, एक एकम एक, दो दूनी चार दूनी आठ, तीन तिया नौ, तिया सताइस, तीन का घन सताइस, चार का घन हो जाएगा चार चौक सोलह, चौका चौसठ, पांच का घन हो जाता है आपका पांच पंजा पच्चीस, पंजा एक सौ पच्चीस, छह का घन हो जाएगा आपका छह छम छत्तीस, छिका दो सौ सोलह, सात का घन हो जाएगा आपका सात सतई उनचास, सतह तीन सौ तरतालीस, आठ का घन हो जाएगा आपका आठ अठी चौसठ, अठे पांच सौ बारह, नौ का घन हो जाएगा आपका नौ नम कैसी निमा सात सौ उनतीस, और दस का घन हो जाएगा आपका दस ढाई सौ ढाई एक हजार। दोस्तों, ये घन का पाड़ा है, आप सभी को याद भी करना है। इसके बाद ग्यारह ग्यारह एक सौ इक्कीस, ग्यारह तेरह सौ इकतीस, बारह बारह एक सौ चौवालीस, बारह सत्रह सौ अट्ठाईस, ये सब आपको याद करने हैं, पंद्रह बीस बीस तक कर लेना आप। दोस्तों, क्यूब रूट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो घन का तो शायद ही कोई क्वेश्चन आए, क्यूब रूट से क्वेश्चन आता है, घनमूल से क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में, घन का तो शायद ही कोई क्वेश्चन नहीं भी आता, बहुत ही रेयर चांस है कि घन का आपको क्वेश्चन आ जाए, लेकिन अगर आप ही गए तो आप तीन बार मल्टीप्लाई कर लोगे क्योंकि मैं कैलकुलेशन में मल्टीप्लीकेशन सिखा ही रहा हूं आपको। लेकिन बात आ जाती है क्यूब रूट की, तो क्यूब रूट करने के लिए केवल एक ही प्रोसेस है, एक ही विधि है, और वो है आपकी घनमूल के लिए गुणनखंड विधि। वर्गमूल में भी मैंने आपको बताया था गुणनखंड विधि और भाग विधि के बारे में, लेकिन घनमूल में आपकी केवल गुणनखंड विधि ही आती है। गुणन माने गुणा के, खंड माने टुकड़े, छोटे छोटे गुणा के टुकड़े करने के बाद उनके जोड़े बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, गुणनखंड विधि का हम कैसे प्रयोग करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड, कि कोई अगर हमारे पास संख्या आ जाती है लाइक एज 512 और हमें इसका क्यूब रूट यानी कि घनमूल करना पड़ जाए तो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए मेथड केवल एक ही है और वो आ जाता है हमारे पास 512 के टुकड़े कर लेंगे, दो दूनी चार, दो पंजे दस, दो छक बारह, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो अठे सोलह, दो छक बारह, दो चौके आठ, दो तीन छह, दो दूनी चार, दो से सोलह पर, दो से आठ पर, फिर आठ को करेंगे दो चौके आठ, दो दूनी चार, दो एकम दो, तीन दो में से एक दो बार, क्योंकि तीन तीन के जोड़े बनने हैं दोस्तों, इसमें केवल तीन तीन के जोड़े बनेंगे, तो यहां भी तीन दो में से एक दो बार और यहां भी तीन दो में से एक दो बार, दो दूनी चार दूनी आठ, आपका घनमूल आ जाएगा आठ। किसका? 512 का घनमूल आठ, आठ का घन 512। दोस्तों, ये प्रोसेस आपकी बहुत लंबी हो जानी है गुणनखंड विधि का, मैं फिर से कहता हूं कि यह प्रोसेस आसान है, लेकिन यह प्रोसेस आपको बहुत तंग करने वाली है। आमतौर पर क्लासेस में हम इसको छोटी क्लासों में देखें तो बहुत अच्छा मेथड है,
लेकिन कंपटीशन एग्जाम में हम इसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में अगर कोई रेड ट्रम आ जाए, कोई दुर्लभ संख्या आ जाती है आपके पास, तो आप वहीं पे फेल हो जाने हो। दोस्तों अगर हमारे पास कोई ऐसी संख्या आ जाए लाइक एज 1331 1331 और हमें इसका घनमूल निकालना है, और हमें गुणनखंड विधि के अलावा कोई आता नहीं, क्योंकि एक ही विधि है इसकी गुणनखंड विधि, हम इसका घनमूल कैसे निकालेंगे? देखिए पहले हम इसको दो से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, फैक्टर करेंगे इसके, छोटे छोटे टुकड़े करेंगे गुणा के, तो दो से तो ये कटेगी नहीं, तीन से कैसे कटेंगे? तीन और एक चार, तीन सात और एक आठ, जोड़ कर लीजिए, तीन से नहीं कटता तो ये तीन से ये भी संख्या नहीं डिवाइड होगी, चार से नहीं होगी, पांच से नहीं होगी, छह से नहीं होगी, सात से नहीं होगी, आठ से नहीं होगी, नौ से भी नहीं होगी, जब तक इतना सोचोगे यहां तक डिवाइड कर करके देखोगे आपके क्वेश्चन का सारा समय समाप्त हो जाना है। तो क्या ये कैलकुलेशन हमारे लिए बेस्ट है? नहीं है, क्योंकि ये 11 पे जाके डिवाइड होगा, 11 से 121 पर डिवाइड होगा, फिर 11 से 11 11 121 हो जाएगा, फिर 11 से 11 एकम 11, 3 11 में से 1 11 12। दोस्तों कोई और अभाज्य संख्या अगर आ जाती है लाइक एज 19 19 19, तो वो 19 पे ही कटेगा, तब तक क्या आप कैलकुलेशन कर करके देखते रहोगे? सारे क्वेश्चन की ऐसी की तैसी हो जानी है। तो दोस्तों गुणनखंड विधि आसान है, आप समझ ही गए होंगे, लेकिन हम यूज करने वाले हैं यहां पर ट्रिक, जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। बेसिक कंसेप्ट में सारा क्लासेस जब चलेंगी तब आपको कराऊंगा, तब तक के लिए आप ट्रिक का आनंद लीजिए। घनमूल, दोस्तों घनमूल के लिए जो ट्रिक है, अगर कोई चीज समझ में ना आए तो वीडियो को रिवाइज करके फिर उसको समझिए, या फिर नोट डाउन कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, कॉपी पेन उठा लीजिए, वीडियो पुश कर लीजिए, और उसके बाद अपनी ये टेबल भी उतार लेना और ये ट्रिक भी उतार लेना। देखिए दोस्तों अगर इकाई का अंक एक है तो घनमूल में भी इकाई का अंक एक ही होगा। देखिए जो मैंने वर्ग वर्गमूल में आपको ट्रिक बताई थी, सेम ऐसी ही ट्रिक रहने वाली है ये। आठ का दो और सात का तीन, अगर इकाई का अंक एक है तो दोस्तों आपको इकाई का अंक घनमूल में एक ही मिलेगा। अगर आपका इकाई का अंक दो है तो आठ मिलेगा, अगर आठ है तो दोस्तों इकाई का अंक दो मिलेगा, अगर तीन है तो सात मिलेगा, अगर सात है तो तीन मिलेगा, अगर चार है तो चार मिलेगा, चार है तो चार मिलेगा, पांच है तो पांच मिलेगा, छह है तो छह मिलेगा, सात सात है तो तीन मिलेगा, आठ है तो दो मिलेगा, और नौ है तो आपको नौ ही मिलेगा। ज्यादा फर्क नहीं है दोस्तों, जो अंक है वही रहने वाला है, केवल दो के केस में आठ, आठ के केस में दो, तीन के केस में सात, सात के केस में तीन मिलने वाला है इकाई का अंक, और इसी इकाई के अंक के साथ हमारी ट्रिक का शुभारंभ कर देते हैं हम। अगर हमें कोई संख्या मिल जाए सत्रह सौ अट्ठाईस और हमें बोला जाए कि आप इसका घनमूल ज्ञात कीजिए, तो हम इसका घनमूल कैसे ज्ञात करेंगे? इकाई का अंक आठ है तो इकाई का अंक घनमूल में 101% दो ही मिलेगा, कोई ऑप्शन नहीं है वर्गमूल की तरह, और तीन तीन के जोड़े होते हैं घनमूल में, और घन में पावर तीन की होती है, तो तीन अंकों को गोली मार दो, बच गया हमारा एक। एक के ऊपर हम ये वाली टेबल चलाने वाले हैं, एक ही कम एक टेबल चल रहा है, एक पर दो दुनी चार दुनी आठ ज्यादा हो जाएगा, तो आंसर हमारा 12 आ गया, वही ले लेते हम 1331 अभी कर रहे थे, इकाई का अंक एक है तो घनमूल में एक भी लगा, तीन अंकों को गोली मार दो,
बच गया हमारा एक और इस एक पर टेबल चलेगी एक की, तो आंसर हमारा 11 आ जाना है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, लाइक एज 15625 इकाई का अंक 5 है तो हमें इकाई का अंक 5 ही मिलने वाला है। 3 अंकों को गोली मार दो, टेबल चलाओ 15 पर, एकम एक, दो दुनी चार दुनी 8, 3 3 9 3 27 ज्यादा हो जाएगा। तो दोस्तों हम यहां पे क्या लेने वाले हैं, 2 2 4 2 8 यानी कि 2 पर टेबल चल गई, आंसर हमारा क्या आ जाना है 25, यानी कि 15625 का घनमूल 25 आ गया। कैसी लगी दोस्तों आपको ट्रिक? एक क्वेश्चन लास्ट फिर मैं करवाने वाला हूं। हम एक संख्या ले लेते हैं 778688, दोस्तों हमें इसका क्यूब रूट निकालना है यानी कि घनमूल करना है। ये लीजिए पावर 3, जब तो घनमूल बनेगा दोस्तों, इसमें हमें इसका घनमूल निकालना है। तो इकाई का अंक देख लीजिए 8 है, तो 8 के केस में हमारा क्या आने वाला है 2, इकाई का अंक 2 हो गया। फिर वही 3 अंकों को गोली मार दो, 3 अंकों को उड़ा दो, बच गए हमारे पास 3 अंक 778, इस पे टेबल चलेगी अपनी यही वाली घनमूल। एक ही कम एक चलते रहेंगे, 2 2 4 2 8, 3 3 9 3 27, 4 4 16 4 64, 5 5 25 5 125, 6 5 36 216, 7 7 49 7 343, 8 8 64 8 512, 9 9 81 729, 10 2 1000 ज्यादा हो जाएगा। 9 9 81 729, 9 पर टेबल चल गई। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या आने वाला है 92। चेक कर लीजिए, अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन की घंटी प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको समय से पहुंच जाए। दोस्तों हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आज आप होमवर्क भी करके आएंगे, उस होमवर्क का आंसर मैं आपकी कमेंट बॉक्स में इंतजार करूंगा आंसर चेक करने के लिए। तो दोस्तों ट्रिक से ही करना है आपको। लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए मैं लेके आया हूं, 12167, इसका आपको क्यूब रूट फाइंड करना है। नंबर 32768, इसका आपको क्यूब रूट फाइंड करना है। तीसरा क्वेश्चन है आपका 91125, इसका क्यूब रूट फाइंड करना है आपको, घनमूल निकालना है। और लास्ट चौथा क्वेश्चन आपको मैं नीचे शायद ना भी दिखे आपको, तो मैं ऊपर यहां पे लिख देता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 6360056। दोस्तों कमेंट बॉक्स में मैं आपके आंसर का इंतजार करूंगा, आप जरूर अपने से कर पाओगे। एक बार और ट्राई कर लीजिए, अच्छे से ट्रिक को समझ लीजिएगा और ये टेबल जरूर याद कर लेनी आपको 20 तक, वैसे 10 तक कोई दिक्कत नहीं है, 10 15 तक टेबल कर लीजिए, बड़े से बड़ी कैलकुलेशन आप कर पाओगे। तो इसी के साथ आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।